साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे इंजेक्शन इप्सोलीन। इप्सोलीन एक ब्रांड नेम है, जो इसका फार्मूला है ये फिनटॉइन सोडियम इंजेक्शन 2 ml। इसमें क्या होता है, इप्सोलीन जो होता है, फिनटॉइन होता है, उसमें 50 mg होता है। तो 50 mg इंजेक्शन 2 ml इज प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट द एपिलेप्सी। एपिलेप्सी साथियों क्या होता है, मिर्गी या झटका, जैसे किसी को दौरा पड़ जाता है, हम इंग्लिश में सीजर्स भी कहते हैं, एपिलेप्सी भी उसको कहते हैं। तो क्या हुआ, इप्सोलीन 50 mg इंजेक्शन 2 ml, 50 mg 2 ml में होता है, इस तरह की कांच की बोतल में होता है। प्रिस्क्राइब मेडिसिन होता है, ये ऐसे नहीं साथियों मिल सकती है, जो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करेगा तभी ये मेडिकल स्टोर से मिल सकता है। तो ट्रीट एंड प्रिवेंट एपिलेप्सी एंड सीजर्स, एंड इट आल्सो कंट्रोल सीजर्स बाय डिक्रीजिंग द एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एक्टिव ऑफ द नर्व सेल्स। और उसको क्या होता है कि एकदम बेहोशी आने लगती है या झटका टाइप का महसूस होता है ब्रेन में, तो उस तरह की भी समस्या में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इट इज गिवन व्हेन दिस मेडिसिन कैन नॉट बी गिवन ओरली। ये कब दिया जाता है साथियों, जैसे कोई मरीज भर्ती है और वो ओरली मेडिसिन नहीं खा पा रहा है, तो उसको यह इंजेक्शन जो है इप्सोलीन, जो ब्रांड नेम है, जो फिनटॉइन इंजेक्शन है, उसको लगाया जाता है। फिनटॉइन 2 ml इंजेक्शन क्या होता है, ये एंटी कॉन्वुलेजेंट, एंटी कॉन्वुलेजेंट जो है, क्या कहते हैं कि क्लास की ड्रग है, इसको कहते हैं इट इज एंटी कॉन्वुलेजेंट ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीट सीवियर एपिलेप्टिक और फिट्स। ये जो है फिट्स मतलब वही झटका या दौरा जो हमने बताया हिंदी में, उसको फिट्स भी कहते हैं एंड एपिलेप्सी भी कहते हैं, सीजर भी कहते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इट इज आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट सीजर्स दैट मे अकर्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर, पहले या बाद में अगर कोई ब्रेन की सर्जरी होती है साथियों, तो उसमें जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। या सीवियर हेड इंजुरी, या बहुत सी कोई एक्सीडेंट होता है, सीवियर हेड इंजुरी होती है, तो डॉक्टर की देख रेख में यह इंजेक्शन दिया जाता है। तो साथियों ये था डिस्क्रिप्शन यूजेज की। जैसा कि डिस्क्रिप्शन के साथ हमने बता दिया है, ये जो फिनटॉइन इंजेक्शन होता है, ये एपिलेप्सी, सीजर या फिट्स में, या फिर जैसे प्री एंड पोस्ट जो सर्जरी होती है ब्रेन की, या सीवियर हेड इंजुरी होती है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों ये कांच की बोतल में 2 ml इंजेक्शन होता है, जिसमें फिनटॉइन 50 mg होता है, सभी मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होता है। बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो इसका प्रोडक्शन करती हैं, जो कि ब्रांड नेम से है, जैसे डिलेंटिन एक फाइजर कंपनी है, फाइजर कंपनी बनाती है, एंड इप्सोलीन जॉयडस कैडिला, जैसा कि हमारे पास ये कंपनी का है, ये जॉयडस एंड कैडिला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है। इप्सोलीन ब्रांड नेम है, पर इसमें जो फार्मूला है फिनटॉइन सोडियम इंजेक्शन 50 mg, जो फार्मूला है सभी में सेम रहता है, बस कंपनी के ब्रांड अलग अलग होते हैं जो अपने नेम से मैन्युफैक्चर करती हैं। जैसे इप्टॉइन ही बहुत फेमस ब्रांड है, अगर फिनटॉइन की जहां पे बात होगी वहां इप्टॉइन नाम का आएगा, वो बहुत फेमस ब्रांड है। एबॉट फार्मास्यूटिकल इसको बनाती है, एंड फिनटॉइन ER सन फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। तो इस तरह से साथियों बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है मार्केट में इसका प्रोडक्शन करती हैं। इस तरह की कांच की 2 ml एम्प्यूल में अवेलेबल होता है, हर मेडिकल स्टोर पे मिलेगा, बट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही यह इंजेक्शन मिलता है। तो ये तो साथियों डिस्क्रिप्शन और यूजेस की बात की, साथ ही साथ इसके बहुत से साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे किसी मरीज को लगता है तो उसको नर्वनेसनेस हो जाती है, एंड डिक्रीज कोऑर्डिनेशन, वो मतलब पहचानने में या थोड़ा सा मतलब अजीब सी हरकतें करता है तो उसमें, एंड ट्रबल स्लीपिंग, और उसको क्या होगा तो उठेगा फिर सो जाएगा, इस तरह से ट्रबल स्लीपिंग होती है। और बहुत से स्किन रैशेस पड़ जाते हैं और सर में दर्द होने लगता है, और जहां इंजेक्शन ये लगता है पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, जहां भी इंजेक्शन साइट में लगा है उसमें जो है ये इसका क्या कहते हैं कि दर्द होने लगता है। साथियों ये इंजेक्शन जो है ये इंट्रामस्कुलर IM एंड IV यूज दोनों इसमें दिया है, बट मोस्टली जो है IM इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इसमें लिखा है फॉर IM और IV इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है ये। और साथियों डोज की बात करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि एज पर डायरेक्टर और जो मतलब एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनके द्वारा ये लगाया जाता है,
और जो इसकी डोज होती है साथियों वो जो है क्या कहते हैं 10 to 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से होती है, मतलब 10 to 15 mg एडल्ट में पर kg बॉडी वेट, 10 से 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से लगाया जाता है, और जो बच्चे हैं 1 से 3 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से ये लगाया जाता है। ये बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इमरजेंसी में हर जगह अवेलेबल होता है, जैसा कि साथियों इमरजेंसी की ड्यूटी है, ये इंजेक्शन अवेलेबल है। अगर कोई इस तरह की कंडीशन का मरीज आता है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो साथियों ये डोज की बात हो गई थी, ये किस किस को नहीं देना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंजेक्शन व्हेन नॉट टू बी यूज, कहाँ कहाँ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और किस किस को नहीं देना चाहिए। जैसे किसी को एलर्जी है बहुत, उसमें इसका नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और क्या होता है, हार्ट रिदम, जैसे हार्ट की ब्रामली बीमारी है किसी मरीज को, हार्ट रिदम है या मतलब हार्ट मतलब प्रॉब्लम है या किसी तरह की हार्ट की बीमारी है, उसमें इसका जो डिसऑर्डर है, हार्ट डिसऑर्डर है, उसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एंड डेलाविरिडीन एक जो है एंटीवायरल ड्रग है जो इस्तेमाल की जाती है, जैसे HIV के मरीजों में या एड्स के मरीजों में जो दवाई इस्तेमाल की जाती है, तो उस मेडिसिन के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के मरीजों को जो है इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और वार्निंग इसकी क्या होती है, कहाँ पे और नहीं इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे वार्निंग में प्रेगनेंसी, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और बच्चे को दूध पिलाती है कोई महिला है जो माँ है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और स्किन रिएक्शन अगर बहुत होता है किसी को तो उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और किसी तरह का हड्डी में इफ़ेक्ट है, चोट लगी है या कोई आघात है, इफ़ेक्ट ऑन बोन, तो उसमें ये वार्निंग है, उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंड मेगा ब्लास्ट एनीमिया, जो एनीमिया की खून की कमी होती है, मेगा ब्लास्ट टाइप की जो एनीमिया होती है, उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये इंजेक्शन जो फिनटोइन है, इप्सोलिन के नाम से हमारे पास, इसका बहुत से कंट्रा इंडिकेशन है, मतलब किस किस के साथ नहीं देना चाहिए। जैसे कंट्रा इंडिकेशन विद एल्कोहल, इसको एल्कोहल पिए हुए मरीज पे इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इंट्रैक्शन विद बहुत सी मेडिसन्स हैं जिसके साथ इसको नहीं देना चाहिए, जैसे वोरिकोनाजोल, वोरिकोनाजोल टैबलेट है उसके इस्तेमाल के साथ नहीं। एंड वारफरीन, वारफरीन है, मेटाएक्सालोन जो टैबलेट है उसके साथ, और एरिथीमियास ये हार्ट की एक बीमारी होती है, उसमें नहीं इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इंट्रैक्शन हो जाता है उसके साथ। और डायबिटीज मिलिटस है साथियों, किसी को शुगर की बीमारी है उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंड लंग्स डिसऑर्डर, फेफड़े की किसी तरह की बीमारी है उसमें इसका इंट्रैक्शन बहुत है, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंड किडनी डिसऑर्डर, उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो साथियों मोटा मोटी सभी कुछ बता दिया, डिस्क्रिप्शन, यूजेस, साइड इफेक्ट, व्हेन नॉट टू बी यूज, वार्निंग, डोज एंड इंट्रैक्शन एंड कंपनी ब्रांड नेम्स। साथियों अगर किसी तरह की क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका जरूर आंसर देंगे। और हमारे चैनल को जरूर साथियों सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ हमें विराम दीजिए साथियों। नमस्कार।